उनका पद जो गया है ये उन्होंने अपने अच्छे नेता होने का एक गुण दिखाया है। अब समाज उनका साथ देकर के ये दिखाया कि भी हम सारे लोग साथ हैं, सामाजिक लड़ाई सबसे पहले है, राजनीतिक सेकंड, और ये बात उन्होंने इस बार साबित कर दी। उनका पद मांगा नहीं गया, उन्होंने दिया है, अपनी ओर से उन्होंने लिख करके दिया है। तो ये तो पार्टी को भी देखना चाहिए और समाज को भी देखना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर अपना मंत्री पद छोड़ रहा है, कोई प्रधानी का पद नहीं छोड़ने को तैयार हो, कोई प्रधानी का पद तैयार छोड़ने को ना हो, तो ये अच्छी बात है। ये एक अच्छे नेता ने अपने गुण दिखाए और समाज को ऐसे नेताओं की पहचान करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दबाव में दिया है इस्तीफा। देखिए दबाव तो रहता ही हमारे नेताओं पे। आपको क्या लगता है कि हमारे नेताओं पे दबाव नहीं रहता? वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, उन पर दबाव रहेगा, और वो इतने दबाव में रहते हैं कि वो अपने जिस पद पर होते हुए भी उस पद की पावर उनके पास नहीं होती है। उस पद पर रह करके वो कलम को खुला होकर के नहीं चला सकते, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, और जिस विभाग के लिए वो रखते हैं उस विभाग पर भी केवल इसलिए रखते हैं कि देखिए हमने एक एससी को हक दिया है, बाकी और जितने भी वर्क होंगे वो ऊपर की कमान पर ही होते हैं। आप कह रहे हैं कि समाज उनको साथ दे, लेकिन समाज को तो फ्री बिजली पानी मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ मिल रहा है, उनको क्या सरोकार है कि वो साथ दें गौतम जी का? देखिए जीवन में स्वाभिमान भी बहुत कुछ होता है, और पानी और बिजली और क्या कहते हैं खाना तो जानवर भी खाते हैं, जरूरत तो सम्मान से स्वाभिमान से जीने की। इंसान की पहचान किससे होती है? स्वाभिमान से होती है ना। और बिजली पानी अगर मिल रहा है तो स्पेशली राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज को ही थोड़ी मिल रहा, पूरी दिल्ली के सभी लोगों को मिल रहा है, वो तो देश के जितने भी लोग जहाँ जहाँ से भी आए हैं, जब सब जाति धर्म के लोग हैं सभी को मिल रहा है, तो वो राजेंद्र पाल गौतम जी के स्पेशल समाज को थोड़ी ना वो दे रहे हैं कि भाई आपको पानी दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज के आदमी हो, आपको मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ क्योंकि आप राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज के आदमी हो, ये कहकर तो नहीं दे रहे ना, वो तो अपनी सरकार की वबाई के लिए दे रहे हैं। आप समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 11 विधायक है समाज के हैं वो भी आपके, उनमें से एक भी आपके सपोर्ट में तो आया नहीं है गौतम जी के? देखिए मैं नेताओं से यही बात कहना चाहती हूँ, राजनीतिक आपकी सेकेंडरी है। इस समय पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि बाबा साहब अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं दबी हुई थी कहीं परतों के नीचे, वो परतों से उखड़ करके बाहर आ रही हैं। इस समय सभी नेताओं को, समस्त नेताओं को, मैं मानती हूँ चलिए आप राजेंद्र पाल गौतम जी से कोई आपकी व्यक्तिगत नाराजगी होगी, आपके मतभेद होंगे, आपके विचार नहीं मिलते होंगे, या मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से आपस में आपके रिलेशन है, लेकिन समाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करिए। ये आपके लिए अच्छा मौका है कि जिन प्रतिज्ञाओं को आज तक दबा के रखा गया, जिनका प्रचार नहीं करने दिया, जिनको लोगों तो जानने से अनविघ रखा, आज वो लोगों के बीच में आ रही हैं, तो सारे नेता आकर के 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना शुरू कर दें तो ही आपके समाज में जागृति आ जाएगी। तो मुझे यही लगता है कि इस समय सारे नेताओं को हुंकार भरने की जरूरत है, और 22 प्रतिज्ञाएं एक तरह से नेता और समाज, ये अपना समाज स्टैंड क्लियर करवाएगा इन नेताओं से कि कौन कौन 22 प्रतिज्ञाओं को कौन नेता मानता है और कौन दोहराता, उसी को हमारा वोट जाएगा। क्या गारंटी जो 11 जो विधायक है उनको समाज से मतलब है या फिर मंत्री पद चाहिए उनको? देखिए मंत्री पद उनको चाहिए, मैं मानती हूँ आप लोग मंत्री पद आपका होना भी चाहिए, हर समाज में इस हर पार्टी में इस समाज की भागीदारी होनी चाहिए, इसकी इतनी संख्या है कि हर पार्टी में ये समाज होना चाहिए, इसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन समाज को तो पीछे मत छोड़ो, वो भी वहाँ से आप आए हो, उसकी वजह से आप आए हो, उस वजह से आप आए हो जो आपको रिजर्व सीटें मिली हैं, तो उनका कम से कम उस समाज की तो भागीदारी को आप सुनिश्चित कराइए, उसकी तो बात रखिए, उसके तो दर्द रखिए, और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने विचारों के, अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़िए। पार्टियां आती जाती रहेंगी, पदवी आते जाते रहेंगे, लेकिन इस समाज में जिसने सम्मान कमा लिया वो सम्मान को छीन नहीं सकता इस समाज से। लेकिन केजरीवाल जी हैं जो जब से उनकी सरकार चली दिल्ली में, पहले उन्होंने राखी बिड़ला को हटाया, फिर संदीप वाल्मीकि को हटाया, अब जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को हटा दिया है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं दलितों के साथ में? देखिए आरएसएस के तीन लड़के हैं, पहला है कांग्रेस, उसका छोटा है बीजेपी, उससे छोटा लौंडा है उसका केजरीवाल, तो ये तीसरा जो लड़का है ना, ये तीसरा लड़का अपनी हरकत दिखा के, बाप के तो गुण आएंगे ना, लक्षण आएंगे ना, ये भले ही कौन सी भी नाम रख ले, चाहे ये झाड़ू रख ले, अगर ये झाड़ू झाड़ू लगा के पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं झाड़ू वाले, तो ये झाड़ू वाले थोड़ी ना हो गए आज तक। बताओ मुझे कि इन लोगों ने जितने सीवर में मरने वाले लोग हैं, कितने लोग सीवर में वाल्मीकि समाज से दूसरी जाति के उतरते हैं क्या? केवल वाल्मीकि समाज के लोग मरते हैं उसके अंदर। क्यों मरते हैं? उसी समाज से जब वोट लेने जाते हो तो आप वाल्मीकि भगवा दस मनाते हो, लेकिन जब वो लोग वास्तव में जिंदा, जो जिनमें जान है वो मरते हैं, तो आप एक के प्रति भी संवेदना नहीं जताते हो, उसके लिए आप कोई अच्छी योजना नहीं लाते हो। लेकिन वो तो गुजरात से एक वाल्मीकि परिवार को लाए हवाई जहाज में, अपने घर बुलाया, खाना खिलाया बढ़िया तरीके से, फिर हवाई जहाज में छोड़ करके आए, और क्या चाहिए आपको? कितना सम्मान दे रहे केजरीवाल? देखिए उनकी नज़र में ये सम्मान होगा, पूरा समाज जिस काम से ऊपर उठता हो आप उसके लिए काम करिए। आपने एक व्यक्ति को हवाई जहाज में बुला लिया, हवाई जहाज से छोड़ दिया,
लेकिन क्या आप ऐसा कोई प्लान दे सकते हैं कि ये पूरा समाज हवाई जहाज में उड़ने के सपने देख सके? क्या ये वो समाज जो जो सड़क पर आपका जो है झाड़ू लगा रहा है, जो आपके उठने से पहले सुबह झाड़ू लगाकर सड़क साफ कर देता है, क्या वो सारा समाज ये सपना देख सकता है? केवल एक आदमी को आपने पेट भर दिया, एक आदमी को आपने एयर टिकट करा दिया, तो क्या पूरे समाज का इससे हित हो जाता है? मेरी नजर में ये समाज का हित नहीं है, केवल एक व्यक्ति विशेष को आप कर सकते हैं खुश। देखिए, बात करने में और काम करने में अंतर होता है। बाबा साहेब की फोटो लगाने एक अलग चीज है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों पर चलना और बाबा साहेब के विचारों को जानना, समझना और उन पर काम करना, ये सबसे कठिन और सबसे अलग काम है। तस्वीर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तस्वीरें इस्तेमाल होती हैं, नीचे फेंकी जाती हैं, पैरों में आ जाती हैं। तस्वीरों को कोई अगर आप उन पर चल नहीं रहे, उनके विचारों पर नहीं चल रहे, तस्वीरों को कोई महत्व है? मुझे बताइए, आप झंडा लेकर के चलिए, अगले दिन तिरंगा सड़कों पर मिलता है, कूड़े में मिलता है, लेकिन सम्मान तो उसका यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ से चलना चाहिए ना विचार, दिमाग से। दिमाग में तो आपके ब्राह्मणवाद भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, ऊंच नीच भरी हुई है, छुआछात भरी हुई है, छोटे लोगों को छोटा बना के रखने की जो है सोच जो चल रही है वो बनी हुई है, मानसिकता बनी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि आप जिस समाज का इतना बड़ा वोट परसेंट ले रहे हैं, आप उस समाज को लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि तस्वीर दिखा दी कि देखिए हम तो आपके बाबा साहब को यहाँ लगा के घूम रहे हैं तस्वीर को, लेकिन जब उनकी विचारों पर चलने की बात आती है तो वो एक मंत्री से इस्तीफा ले लेते हैं केवल इसलिए। वहाँ पे उन्होंने अभी मुझे पता चला है कि बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने मर्ज कर दिया है, 50 स्कूलों को उन्होंने मर्ज कर दिया है जहाँ पर स्लम एरियाज के बच्चे पढ़ते थे। तो अगर वो उन बच्चों को पढ़ाना चाहते बाकी में, तो स्लम एरिया के जो स्कूल है, जो बच्चे पढ़ रहे थे फ्री में, उनको एजुकेशन मिल रही थी, वहां से क्यों खत्म करें? 50 स्कूलों को बंद करने का मतलब आप जानते हैं, एक स्कूल में 1000 बच्चा हुआ तो कितने बच्चे हो गए? 50,000 बच्चे हो गए।